बंद हुआ। नहीं नहीं अभी भाई साहब पता है एक नंबर भाई ने लगाया है, चढ़ नहीं रहा, इतना ज़्यादा लोडिंग नहीं है हमको लग रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा चढ़ाई है ना, चढ़ नहीं रहा है, एक नंबर पर चढ़ा रहे क्या। चैनल भी अपना यूट्यूब पेमेंट भी आ चुका है और आप सब कमेंट करके बार बार पूछते हैं कि भाई यूट्यूब पेमेंट आपका कितना आता है। तो फिलहाल भाई पहुंच चुके हैं जंगल में, पर जाम चेक करें भाई ये टोल प्लाजा। तो फाइनली भी टोल पे पहुंच चुके हैं, लीजिए भैया जाने आने कटवाया था। सो हेलो एवरीवन, फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। हो चुका सुबह भी आप सबको गुड मॉर्निंग। पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा हम भाई लोडिंग किए थे कुदरी के लिए, मतलब जिला सोन मतलब लगता है गांव का नाम है कुदरी। भाई रात को यहां पर 3 बजे पहुंचे, गाड़ी वगैरह खाली करवा लिया था, नींद लग रहा था इसी वजह से यहीं पर गाड़ी पर मस्त सो गए थे। तो जस्ट अभी सुबह हुआ है देख सकते हैं फटाफट में निकलना है वाराणसी के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको टाइम से पहुंच सके। तो चलिए फटाफट इधर से निकलते हैं और बाकी की बातें आगे चल के करते हैं। तो यहाँ पे भाई निकल रहा है सुबह सुबह गरम गरम पकौड़ी जो कि हम खाने वाले हैं, खाने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे अपने गाड़ी को लेकर इधर, मतलब इधर इधर से रात को आए थे इधर। ये वाला रोड कहाँ निकल जाता भैया, ये कहाँ निकलेगा? सागो बांध। अच्छा तो हमें इधर से बैक करके इधर निकलना है। तो चलिए पहले पकौड़ी खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो फिलहाल भाई आगे बढ़ रहे हैं मेवरपुर की तरफ, मेवरपुर से हमें जाना है वाराणसी की तरफ। देखते हैं कोई अगर बुकिंग अगर कंफर्म होता है तो भाई लोड कर लेंगे उसके फिर आगे निकल पड़ेंगे। वैसे तो भाई कल पता है एक ही दिन में दो भाड़ा भाई मैंने मारा और डबल पैसा कमाया। कोई नहीं फिलहाल भाई आगे निकलते हैं। तो फिलहाल भाई पहुंच चुके हैं जंगल में और भाई आप लोग अगर कभी जंगल से गुजर रहे हो और सिंगल रोड हो, आप लोगों को बार बार हम कहते हैं भले ही आपको खाली मिले बहुत स्पीड से नहीं चलाना है, अपने लिमिट में चलाना है क्योंकि जंगल में बहुत टर्निंग होता है। समझ में नहीं आता, देखिए अभी एक टर्निंग मैंने क्रॉस किया फिर यहाँ पे एक टर्निंग आ गया देखिए, ठीक है। तो देख के चलाना है और अपने लेन में चलाना है ताकि दुर्घटना से आप बच सके। तो भाई बंद हुआ। नहीं नहीं अभी भाई साहब पता है एक नंबर भाई ने लगाया है, चढ़ नहीं रहा, इतना ज्यादा लोडिंग नहीं है हमको लग रहा है, लेकिन इतना ज्यादा चढ़ाई है ना, चढ़ नहीं रहा है, एक नंबर पे चढ़ा रहे क्या। चलिए ठीक है भाई साहब। और ये सब गाड़ियां पता है अंडर लोड चलता है हमेशा, लेकिन इतना तो चढ़ाई है और चढ़ाई में पता है जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होता है ना वही बंदा चढ़ा पाता है अच्छे से। ये तो बहुत लोगों का गाड़ी ना बंद हो जाता है, मतलब क्लच प्लेट गर्म हो जाएगा, इंजन गर्म होने से ना क्या होता है गाड़ी बंद हो जाता है, चढ़ाई पे आपको रोकना पड़ जाता है। तो फिलहाल भाई पहुंच चुके हैं मुर्दाहा मोड़, यहाँ से भाई हम ले लेंगे टर्न राइट। देख सकते हैं कितना सारा टाटा कंपनी की गाड़ी है। तो ये जा रहा है भाई, ये सिर्फ चेचिस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भाई इसका अगर रिव्यू चाहिए ना तो सेकंड चैनल पे मिल जाएगा, सेकंड चैनल का नाम है BDM कार ब्लॉग, जाके सब्सक्राइब करिए। तो फिलहाल चलते हैं एक रिव्यू देते हैं आप लोगों को मस्त वाला। BDM कार ब्लॉग को जाके सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि उसमें ना हाईवे का वीडियो आ चुका है और मैंने एक हाईवे का वीडियो अपलोड किया हुआ था तो वो जो था ना सिर्फ चेचिस था, पूरा पूरा बना हुआ बॉडी नहीं था। तो अभी एक बॉडी आप लोगों को दिखाते हैं, इसका रिव्यू तो नहीं कर पा रहे लेकिन इसी वीडियो में ऐड कर दे रहे हैं। तो ये चेक करें भाई, तो ये
पूरा कंप्लीट हाईवा, मतलब इसमें आपको कुछ बनवाना नहीं है, सिर्फ खरीदना है और इसको चलवाना है। और जो मैंने रिव्यू किया था उसको पूरा का पूरा बनवाना है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चेचिस है और ये पूरा कंप्लीट बना हुआ है, देख सकते हैं। और एक बात, हाँ भाई, इसमें भी स्लीपर नहीं है, मतलब इसमें भी आपको सोने के लिए केबिन के अंदर सीट नहीं मिलेगा। जाम चेक करे भाई, ये टोल प्लाजा, जस्ट अभी घाटी क्रॉस किया भाई, जबरदस्त वाला जाम लगा है। भाई साहब इतना दिन बाद इतना ज्यादा जाम देखने को मिला यहाँ भाई। पता नहीं भाई कब तक निकलते हैं। तो फाइनली भी टोल पे पहुंच चुके हैं। लीजिए भैया, जाने आने कटवाया था। भाई जाने आने का ही कटवा लेते हैं, देख सकते हैं इसमें आर लिखा हुआ है ना, तो ये रिटर्न हो गया, ये देखिए आर लिखा है। भाई पहुंच चुके हैं मधुपुर मंडी के पास, जस्ट पीछे मंडी है, मतलब हमारे सामने मधुपुर मंडी है, उसके बगल में मैंने इस बार गाड़ी लगा दिया, क्योंकि भाई हमें ना नाश्ता करना था भाई, काफ़ी अच्छा खासा वाला भूख लग चुका है, मतलब रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था और अभी पता है दोपहर के 12 बज चुके हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे एक नाश्ता पानी का दुकान है, कुछ नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे बनारस की तरफ। फाइनली भी अपना नाश्ता लग चुका है, तो यहाँ पे जब भी आते हैं या गाड़ी लोड करना हो या फिर कभी गुजरते हैं, भूख अगर लगा होता तो यहीं पर नाश्ता अगर कर लेते हैं। तो चलिए, अपना नाश्ता लग चुका है, इधर एक मकोनी, ठीक है, और इधर है चोखा, ये देख सकते हैं, फटाफट फिनिश करते हैं, फिनिश करने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। अपना नाश्ता पानी हो चुका है कंप्लीट, नाश्ता पानी करने के बाद आ चुके हैं गाड़ी पे। पता है इधर भी तबीयत अपना कुछ सही नहीं लग रहा है, ये आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्या? मतलब कुछ मौसम अगर चेंजिंग हो रहा है इधर बीच, कभी ठंडा तो कभी गर्म, तो इसके वजह से तो ऐसा नहीं है, गला भी अकड़ा रह रहा है, सीना भी, और सर में दर्द, मतलब वीडियो अगर बनाने का ही मन नहीं कर रहा है। तो ऐसा आप लोग के साथ अगर हो रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अपना भी हालत इसमें खराब है, ठीक है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दें। फिलहाल भाई आ चुके हैं अपने नारायणपुर वाले हाईवे पे। भाई ये जब से रोड बन गया ना तब से बहुत आसान हो गया है और मज़ा आता है, मतलब पूरा खाली खाली सा रहता है, जब भी मधुपुर अगर जाना हो तो जाम नहीं लगता। फाइनल भी घर पे आ चुके हैं, छोटा वाला भाई पहले ही जगह अगर बना कर रख दिया था, ये देखिए आधा घंटा हो गया, आधा घंटा से ये बेचारा खड़ा है बाहर, नहीं में जगह नहीं मिलता है ना, क्या करें, हाँ कोई और गाड़ी खड़ा लगा नहीं पाओगे। जगह को लेके भाई दोपहर के टाइम में काफी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हॉस्पिटल है ना, तो काफी सारे मरीज अगर आते हैं गाड़ी खड़ा कर देते हैं, और पार्किंग भी बगल में है, कुछ कर नहीं सकते हम लोग कोई नहीं, चलिए फटाफट घर पहुंचते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं आप लोगों से शाम को। चलिए भाई घर पे आ गए थे, घर पे आने के बाद सो गए थे, जस्ट अभी उठे हैं और नहा धो लिया है, फ्रेश हो लिया है। तो बता दें इन लोगों को ना आज मार्केट पे लेके गए थे, ये देखो, ये इसके पहले बदमाशी आप लोग देख लीजिए भाई, कितना ज्यादा बदमाशी कर रहा है मेरा बाबू, ये देखो, क्या जी ये सब क्या किया हो तुम ये सब क्या किया पहले बताओ, ये देखो, और एक लोगों को दिखाते हैं, एक लोग दिखेगा, तुम काया परेशान कर रहे हो, इधर आओ और एक लोग ये देखिए क्या कर रहे हो, ये भाई देखो इतना गंदगी कर रही है पूरा, इसको डब्बा खोल के जितना बैग वगैरह था सब बाहर फेंक दिया है। और सालू और वैष्णव भी आज बहुत खुश है, क्यों खुश हो भाई बताओ, क्योंकि मेरा नया पायल आ गया, एक घर के लिए, एक जाने आने के लिए सोने का कान का बन गया, और रोज के लिए कान का खरीद लिए, सोने का कान का भी आ गया और पायल भी आ गया ना, और तुम क्यों खुश हो, मेरा कान में का बन गया, टूटा था ना।
चलो ठीक है, तो ये लोग बहुत हैप्पी है, तो बहुत फैमिली वाले हम लोग भाई क्या कहे ना कि छोटे छोटे खुशी में ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं हम लोग को बड़ा खुशी नहीं चाहिए भाई। सब हो पाया आप लोग की वजह से। हाँ, और ये सब जो हो पाया ना ये आप लोग की वजह से हो पाया। हाँ, तो फिलहाल आज इसी खुशी को हम लोग और थोड़ा सा अच्छे से मनाने के लिए मटन अगर घर पे लेके आए, मटन खाने वाले हैं काफी दिनों बाद, क्योंकि ये सब तो खाते नहीं है, ये नहीं खाता मटन, ये भी नहीं खाती है, तो हम लोग सिर्फ तीन लोग खाएंगे, हम, छोटा वाला भाई और मम्मी, तीन लोग खाएंगे मटन। तो मस्त हम लोग स्पेशल मटन बनाने वाले हैं, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, पहले दो दाके रेडी कर लेते हैं, जब बनाएंगे तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं भाई। तो फाइनली अपना मटन बनना जो है वो चालू हो चुका है, आज अपने हिसाब से मटन बना रहे हैं, मतलब एकदम कुछ देहाती स्टाइल से, देख सकते हैं ये देखिए, प्याज लहसुन अदरक खड़ा मसाला अगर सब इसमें डाल दिया है, तो ये अपना मटन है एकदम देसी मटन हमने लेके आया हुआ है मार्केट से, ये देखिए। तो चलिए फटाफट इसको बर्निंग हो चुका है, सुबह बता दे आज ना मेरे बाबू का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मतलब रात को हम लोगों ने मटन अगर बनाया था आप लोगों ने देखा, खाना खा के सो गए थे, वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो फिलहाल बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हम लोग इसको लेके गए थे सुबह सुबह हॉस्पिटल 7 बजे, जस्ट अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, तो फिलहाल सालू को दे रहे नाश्ता, क्योंकि ये भी बेचारी सुबह से, लो पकड़ो, सुबह से ही रात भर नहीं सो रहा, तुम नहीं सो रात भर ना, चलो तो चलिए कोई बात नहीं, चाय पी लो, चाय ब्रेड मक्खन। और ये देखिए इसका एक्चुअली तबीयत में हो क्या गया है, ये रात भर उल्टी कर रहा था, ठीक है, तो इसीलिए इसका तबीयत सही नहीं है। बेटा तुमको नहीं चाय पीना है, ब्रेड भी नहीं खाना है, डॉक्टर मना किया कुछ भी, ये देखिए। तो चलिए फिलहाल अभी बहुत सारा काम है, मम्मी भी आ चुकी है काम से, क्या बच्चा मेरा तबीयत खराब हो गया था, तबीयत खराब हो गया था बाबू, आज देखो देखो ब्रेड मक्खन छू रहा है वो, खाने के लिए बोल रहा है, डॉक्टर साहब ने बोला कुछ भी इसको चॉकलेट अगर आप नहीं खिलाना है, और क्या बोलते चिप्स अगर अभी नहीं खिलाना है, मैंने जस्ट पूछा था कि भाई चॉकलेट अगर खिला सकते हैं कि नहीं, तो बोला नहीं खिला सकते कुछ भी, शायद इसके पेट में कुछ इन्फेक्शन अगर हो गया है, क्योंकि रात भर उल्टी किया है, ठीक है, तो फिलहाल सुई अगर लगवा दिया उल्टी का, और हल्का फुल्का क्या वायरस दिया है ना पीने के लिए, हाँ पानी का कमी भी हो जाता है ना उल्टी करते टाइम, तो चलो तुम नाश्ता करो फटाफट, अभी छोटा वाला बाबू भी हॉस्पिटल जाएगा, ये देखिए इसको क्या दिक्कत है भाई, ये दूध पीते ही दूध उगलने लगता है, ये दूध पिएगा तो दूध निकाल देता है, देखिए अभी निकाला भी है, देखिए बिक गया है, क्या जी छोटे से ही है इसका, ही मैंने हॉस्पिटल में भी नंबर लगा दिया है, ये भी जाएगा, मम्मी आप लेके जाएंगे साथ में, हाँ लेकर जाएंगे, मम्मी छोटी और तुम भी जाओगे भाई, नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम नहीं जाओगे, चलो अच्छे जाओ दिखा के लेके आओ, क्योंकि 10:30 बजे नंबर आ जाएगा, ठीक है, फोर फाइव हमारा साथ साथ बोलेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 अनिल भी अपना YouTube पेमेंट भी आ चुका है, और आप सब कमेंट करके बार बार पूछते हैं कि भाई YouTube पेमेंट आपका कितना आता है एक बार बताइए मुझे, तो बता दे इस बार का YouTube पेमेंट आ चुका है और अच्छा खासा पैसा आया है, मतलब कभी कभी इससे भी कम आता है और कभी कभी इससे भी ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन इधर बीच ना हमें लग रहा है कि ऑफ सीजन चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा कम पेमेंट आया है, इस बार का जो अपना YouTube पेमेंट आया है फाइनली 22,000 रुपया, तो 22,000 रुपया मेरे लिए काफ़ी है, बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा, वैसे बता दें इससे ज़्यादा भी आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 22,000 आता है, इस बार 22,000 आया है, कभी कभी कम भी आता है, 15,000 भी आता है, कभी कभी 35-40 भी पहुंच जाता है, लेकिन वो कभी कभी होता है जब YouTube कंपनी ज़्यादा ऐड अगर चलाता है लोगों, तो बस ऐसे ही छोटे भाई प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आज मान लीजिए मेरा गाड़ी खड़ा है घर पे, तो जो भी वीडियोस बनाते हैं YouTube से जो भी अर्न करते हैं भाई, अपना छोटा सा फैमिली है वो चलता है, जो भी YouTube का पैसा है बस ये आप लोगों का सपोर्ट प्यार के वजह से हो पा रहा है, आज कुछ कर रहे हैं तो वही आप लोगों के सपोर्ट प्यार के वजह से बना रहे हैं, और आप लोग ये भी कमेंट कर रहे थे अपने मम्मी का काम अपने छुड़वाया है कि नहीं छुड़वाया है, तो बता दे भाई मम्मी 2 जगह काम करती थी, तो एक जगह अभी काम मम्मी ने छोड़ दिया, हमने बोला था बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया भाई काम हम छोड़ दो, तो अभी एक डॉक्टर के घर पे बहुत अच्छी हैं, बिहेवियर उनका बहुत अच्छा है, तो और हम लोग का हेल्प भी बहुत अच्छा से करती हैं, बहुत मतलब देखभाल केयर करना, तो उनके घर पे मम्मी सिर्फ खाना बनाती हैं, बर्तन अगर धोने का काम नहीं, बहुत पहले जब हम लोग आए थे बनारस में तो फिर बहुत सारा सीन था भाई अपनी लाइफ में भी,
तो कोई नहीं, अभी तो बस आप लोग के सपोर्ट प्यार के वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट प्यार बनाए रखिए और एक बधाई दे दीजिएगा क्योंकि इस बार का पेमेंट अपना 22,000 आ गया है। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिए क्योंकि आपका भाई मेहनत करेगा और आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आता रहेगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपका भाई मेहनत करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट व्लॉग में।